आप तो खैर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे दो आर्टिस्टों का काम है, और मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ कि दोनों का फिगरेटिव है, दोनों का आपस में मिलता है। एक तो ये ग्रेजुएट है हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट डिज़ाइन के, मेहरान यूनिवर्सिटी के, और दूसरे भी जो आर्टिस्ट हैं वो किसी और जगह से हैं, लेकिन काम काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपकी तवसत से एक बात जो है लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि वैसे पूरी दुनिया में एक फैशन होता है अपने ड्राइंग रूम में पेंटिंग्स का। अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ बहुत बड़े क्लास के जो लोग होते हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके रेट्स देखें तो ये वो है कि एवरेज बंदा भी इसको परचेज कर सकता है। और आपको पता है कि जब आप पेंटिंग जो है, एक आर्टिस्ट की पेंटिंग अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने लाउंज में लगाएंगे तो उनकी कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ भी है जो वक्त के साथ ये जो है डी वैल्यू नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि अब हम लोग जो हैं, हमारी कौम जो है और हमारे जो जनरेशन है पूरी, अपने थॉट में इस चीज़ को अब कंसीडर करें कि अपने घरों में किसी फोटोग्राफ या किसी और कोई ऐसी वैसी चीज़ की जगह आर्ट वर्क रखें तो सबसे अच्छा होगा, और इनकी भी इनक्रेजमेंट होगी, हमारे पास आर्टिस्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारी सोसाइटी की ज़रूरत भी है कि जितने ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे तो उतनी सोसाइटी में जो है वो सॉफ्टनेस ज़्यादा क्रिएट होगी। तो यही मेरा मैसेज होगा सबके लिए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ सप्रो है, और मेरा काम जो है वो हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसको मैंने फोकस किया है, और उनके एक्सप्रेशन को और उनके कलर्स को जो है मैंने ड्रा किया है, और उसके साथ साथ जो है उनके डिफरेंट कलर जो वो पहनते कपड़े या उनके एक्सप्रेशन या ज्वेलरी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ इंक्लूड हैं। और पैटर्न्स भी मैं यूज़ करता हूँ अपने काम के साथ जो कि हमारी मस्जिदों और मज़ारों में होते हैं। और एक और बात है मेरे काम में जो कि ड्राइंग का एक एलिमेंट है लाइन, तो वो सारा काम जो है उसके साथ मैंने प्ले किया है, तो सारा फोकस मेरे लाइंस पे है। तो आप आइए, उसका विज़िट करिए आर्ट्स गैलरी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अरसलान नकवी है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है, और मैंने एक्रेलिक मीडियम में काम किया है, और मेरा सब्जेक्ट है स्ट्रीट चिल्ड्रंस के हवाले से, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं। तो मुख्तलिफ कंपोजिशंस में काम किया है, मुख्तलिफ सैम्पल्स का इस्तेमाल किया है, कहीं कुछ डिस्टॉर्शन है काम के अंदर, देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू जी।